नमस्कार अर्गस अपडेट सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस। पूरी पिपिली बड़ंगा थाना रे विस्फोरण, उड़ीला थानार छात भुशुड़ा कांथ, आईआईसी ऑफिस हाजर समेत बहु गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र नष्ट। विस्फोरण को नहीं प्रश्न उठाइले बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र। पैंतीस प्रकार नूतन किस्मर फसल को राष्ट्र उद्देश्य समर्पण करेंगे प्रधानमंत्री। किसी समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से स्वतंत्र कार्यक्रम, उन्नत ज्ञानकौशल विकसित हो नुआ किस्मर फसल। श्रीमंदिर रत्नभंडारु चोरी हो कि सुना अलंकार, 1960 मसीहा पर रत्नभंडार चाबी ट्रेजेरी को जाना। सूचना अधिकार आईन में आसला बड़ तथ्य, कहा पाखरे थिला चाबी, रत्न भंडारे सुरक्षित अचित रत्न, सृष्टि हेला बड़ प्रश्नवाची। निर्वाचन पर निर्वाचन जाउची, पूरण हेउनी पिपिलीवासींक दाबी। 30 वर्ष पर भी स्वप्न पलटिची पिपिली रे बसस्टाण्ड निर्माण कार्य, गमनागमन को नहीं स्थानीय जनसाधारण असुविधार सम्मुखीन। प्रश्न पचारे मुह बुलाउछंती बीजेडी दलर विधायक प्रार्थी। भारत में बर्मुडा ट्रायंगल बात्या गुला बेले घटिला रहस्यमय घटना, 100 अधिक किलोमीटर यात्रा करी पहुंचिला रहस्यमय बोट, ना थिले यात्री ना थिले मत्स्यजीवी। घटना को नहीं आंध्र और ओडिशा रे चर्चा। वीर संग्रामी देश प्रेम को झुरुची रक्त तीर्थ इरम, शहीद दिवस अवसर देश मने पकाउची 28 स्वाधीनता संग्रामी प्राणवली कहानी। 1942 मसीहा आज दिन में साधारण सभा उपरे ब्रिटिश फौज करिथिला आखि बुजा गुली वर्षण। एक्सप्लोसिव है कु केमती ट्रिगर हैला, कु अवस्था रे हैला, कु सर्कमस्टेंसेस रे हैला, ता पई एबे इंक्वायरी इनिशिएट है। हमरा डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंटिफिक टीम हमरा पहुंची, डिस्ट्रिक्ट लेवल बम डिस्पोजल टीम पहुंची, स्टेट लेवल फोरेंसिक लैबोरेटरी भी टीम एबे पहुंची जेबो, और डिटेल्ड इंक्वायरी करला परे जना पड़िबो के घटना केमती हैला। ए घटना रे थानारा बिल्डिंग को किसी डैमेज है अपन सब देखी सारे, और कहा को किसी इंजरी नहीं, और जिते बेले फर्दर डिटेल आसीबो अपन को समस्त को डिटेल जाना। सर केते दिन धरी के विस्फोटक सामग्री रहितला एवं केउ थरो जबत हेतला पूरा डिटेल्स ऊपर कोन अनुदान हेलानी? से जिनसरा डिटेल्ड इंक्वायरी चली छी के कु जगारू सीज हेतला केमती, जो अपन डिटेल कहले के केबेरू थिला, डिटेल्ड इंक्वायरी परे सब जिन्स क्लियर होबो और फर्दर कार्यानुष्ठान इंक्वायरी रिपोर्ट रे दिया जेबो। हमरा एडिशनल एसपी जो अछंती पी प्रधान ताको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आज ही सबमिट करने कहा है, संध्या सुधा से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सबमिट करेंगे, बाकी डिटेल्ड एनालिसिस करने को पड़ो, कागज पत्र पूरा देखा पड़ो, तापर हम आपको डिटेल देव। आप समस्त को रिक्वेस्ट करी टी आप जो जगह आपको ईयर मार्क करा है सही जगह रे रही। थैंक यू। सब 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 डिटेल नहीं किसी कह को किसी इंजरी है नहीं, कहा को किसी प्रॉब्लम भी है नहीं, और फर्दर डिटेल जो बम डिस्पोजल वाला जो अच्छा जो टेक्निकल टीम जो अच्छी से मैंने जो डिटेल देवे तापर मु अपन समस्त को अपडेट करी अपन माने ईयर मार्क जवारे काइंडली रहिबे। थैंक यू। अपन सुनु थिले निश्चित भाबे भमरे सुनु थिले अपूर्व रंजन आम सहित। हां कालुचरण कोंतु तो पुरी एसपी को प्रतिक्रिया कोन आसुची, केउंथि पे विस्फोरण होईची, केउ माने दाई होइते पारंती, एने पूरा अपडेट कोन दउछन्थे पुरी एसपी? निश्चित भाव अपूर्व रंजन, जहाँ पूरी एसपी प्रतिक्रिया शुणुते आपत जब भाव में उच्चस्तरीय तदंत चली, जिला स्तरीय साइंटिफिक टीम डॉग स्क्वाड और राज्य स्तरीय साइंटिफिक टीम आसिक तदंत आरंभ कर, किंतु जो सामग्री जो रखा जाता से सामग्री ही विस्फोरण घटी थे पारे बोल कि जहाँ एसपी प्रतिक्रिया रखते, कि स्पष्ट भाव में बर्तमान सुधा प्रतिक्रिया आसवाक ना कि स्पष्ट हाँ ना क्यों कारण विस्फोरण घटला, कितु विस्फोरण बड़ भयानक बड़ दुर्घटना थी जहाँकि संपूर्ण भाव में बवंगा थाना पूरा मटीर मिशि जा जेहेतु वर्षा हो कि अंश जेहेतु रही छात लगि रही जेहेतु वर्षा तुहाकु तुआ वर्षा हो घुशुड़ संभावना अच्छे से थाना परिसर भितर पूरा मुतयन पुलिस अच्छा थाना परिसर भितर जो अंचल लोके रही है स्थानांतरित करलिस स्टेसन भितर बाहर को छड़ जाए कि बड़ कथ हो तब आईजी केन्द्रांचल आईजी आसिक तदंत कर एसपी तदंत कर एडिशनाल एसपी को दायित्व दि जाए से तदंत करके आज संध्या सुधा संपूर्ण
संपूर्ण रिपोर्ट देवे केवि भाव में एत बड़ घटनाटी घटला के बारे क्यों क्षय क्षति कौन कागज पत्र सब नष्ट तमाम रिपोर्ट आज संध्या सुधा जहाँ आडिशनाल एसपी रिपोर्ट देवे एसपी को बोलिक एसपी प्रतिक्रिया रखुले जो भी भाव में पूरा केन्द्रांचल आईजी आसिक पूरा घटना को अनुधान कर टेक्निक भाव तदंत चली जे रही नरसिंह भोल से तदंतर पूरा संपूर्ण भाव में पहुंचती पूरा घटनास्थल तन तन कर तदंत प्रक्रिया चली साइंटिफिक टीम तदंत करें भाव में एत बड़ घटनाटी घटला ताकू नहीं बड़ प्रश्न सृष्टि कारण जिते अभोग आसूसी थाना परिसर भितर थाना को लगिकी जिते थाना आईआईसी कह ओआईसी कथ कहीपर थाना अगर कर्मचारियों कथ कहीपर एवं जो अपराधी मैंने था हाजत भितर आ रही था कि थाना को लगिकी एक कोठरी भितर कि भाव में एत संख्यार विस्फोरक रखा जाता बड़ प्रश्न सृष्टि पूरी एसपी निजे जहाँ सूचना देखते विस्फोरण जेहेतु थाना गच्छित था थाना पाख मालगोदाम तेणु केउटना केउटे विस्फोरण घटी जदिओ सौभाग्यवशतः ए जीवन हानि होना कई आहत होना किंतु क्यों परिस्थिति में यह विस्फोरण घटी तादंत सापेक्ष बहुत बहुत धन्यवाद कालूचरण प्रतिनिधि एने तमाम अपडेट दे थाना विस्फोरण को नहीं प्रश्न उठाइले बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र से प्रश्न करिसेंती पिपिलीवासी सुरक्षित अच्छा त लोके और बूथ सुरक्षित अच्छी तो जदि पिपिली रक्षक सुरक्षित नुहंती से माने साधारण लोकों रक्षा केमी करेंगे थाना भितर बाण थिला ना आउ किछि थिला बाहर विस्फोरण हेला ना भितर विस्फोरण हुछे शीघ्र तदंत करी पिपिली और राज्यवासी को प्रश्नर उत्तर मिलिब त सेपरे थाना भितर काहेकि विस्फोरक थिला काहेकि विस्फोटक रखा जाइथिला निर्वाचन पूर्व थाना विस्फोरण कौन पाइला लोकतंत्र मुख्य पर्व पूर्व विस्फोरण को नहीं प्रश्न उठाई पिपिलीवासी एत बोमा कित विस्फोटक गोटे थाना भितर कहीं ये तो आईन आईनसम्मत नुह लफुल नुहे विस्फोट गोटे तार गोटे कालावधि अच्छी जहाँ भितर ये विस्फोटक पदार्थ डिस्पोज हवा कथा से कालावधिटा कौन कहीं विस्फोटक रखाही देखु अनेक पुलिस कर्मी भिन्न भिन्न स्थानु आसिकी उपनिर्वाचन संभाली थाना मध्य रही कौन कारण थी से ही थाना फाटिला ये सब प्रश्न उठ देखूँ जेकोसी जगार निर्वाचन अच्छी जदि निर्वाचन थाना फाटी तेल से अंचल लोकों मन भितर कौ भाई भाव असुरक्षार भाव आसा थाना को भी प्रश्न जो मुख्यमंत्री विभाग थाना को जगी पार ना थाना को जदि उड़े दि जाए साधारण जनता जनमान सुरक्षा किए दब ये बाक्स भोट लोक सुरक्षा आंक ये प्रश्नवाची अच्छी कि भोट केमती हम भोट को सुरक्षा ये केमती देवे तो आम तो पूरा दाबी करुचु कि केन्द्रीय सुरक्षा बल मुतयन होवाचन अबाध निर्वाचन एम करें कारण एम तो थाना को सुरक्षा दे पार सन्देह सन्देहटी कौन आप देखु आमर पूरा डिमांड कि कहीं भी हो एको हमें निंदा करुचु कि थाना को उड़े दवापाई जे उद्यम बा करेवा एको हमें निंदा करुचु विस्फोरक सामग्री रही थला थाना भितर जी भी दायी जदि विस्फोरक सामग्री थिला डिफ्यूज कहीं ना कहीं भितर तुरंत भाव जी भी दोषी ताको गिरफ्त करा जाओ जदि तांको भितर डिपार्टमेंटर लोक दोषी तांको भी धरा जाओ डिफ्यूज रो गोटे समय रही था से समय कहीं की अतिक्रांत उड़े देना देखो माने हेला परे किए कौन कहिबा एवं तार समीक्षा हेला परे किसी तथ्य निश्चिंत भाव सामना को आसिबो जदि एभली बोमा कि एभली किसी विस्फोरक सामग्री थिला जहाँकि आपे आपे विस्फोरण होइजिबो ताको थाना भितर एपर्यंत रखा जाइथिला काहेकि तो ये सबुर जे भी दायी जेकोसी लोक दायी ताको तुरंत 24 घंटा भितर ता उपरे एक्शन निया जाउ लोकों को आश्वरांस दिया जाऊ कि थाना को जहाँ दुर्बलता अच्छी ता कारण दंड ताको मिलू एवं लोक डर अच्छा कि जदि थाना उड़ीगला आम किए तेणु याको सुरक्षा तुरंत दिया निर्वाचन को लेकिन आपण प्रश्न उठाउछन्ति देखंतु मु भी गोटे साधारण लोक हिसाब से गोटे चा दुकानी हिसाब से जन को पचारु थिली से कहतला बाबू थाना उड़ी गलानी आमर कोन कथा आमे को दन उड़े देबे आपण कहउछन्ति गोटे इंटेंशनली करा जाय नै मु कहुनी कि थाना को इंटेंशनली हेछि थाना जहाँ हेछि आमे ताको निंदा करूछु जे भी करथिबो किंतु किए कला गोटे बैटरी रे जो कथा उठुछि कि गोटे बैटरी विस्फोरण हैला गोटे बैटरी रे एत बड़ डैमेज हेबी परिबो किसी कथा निश्चिंत भाव थी जदि किसी विस्फोटक सामग्री जबत होता
ତାହେଲେ ତାକୁ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ ନକରି ଥାନା ଭିତରେ କାହିଁକି ରଖା ହେଇଥିଲା। ତ ୟାର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହଉ ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭାଗ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆପଣ ଦାବି କରିବେ? ଆମେ ତ ଆଜି ବି ଦାବି କରୁଛୁ କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହଉ। ଏମାନେ ଆଉ ଏମାନେ ଯିଏ ଥାନାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବୁଥକୁ ବାକ୍ସକୁ ବାଲଟକୁ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମୁତୟନ ହେଇ ନିର୍ବାଚନ ହଉ ଆରାମସେ। ଆମେ ଏହା ହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆକୁ ବି ଡିଜିଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପାଖକୁ ବି ଏ କଥା ନେଇକି ଯିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ବିଜେପିର ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷକ ରହୁଥିବା ଥାନାରେ ଏଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ପିପିଲିବାସୀ କେଉଁଭଳି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ସହାୟତାରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉ ବୋଲି ଏନେଇ ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଭୋର ସମୟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ମିଳିଛି ସୂଚନା। ଭୋର ପ୍ରାୟ 4 ସମୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା। ପରେ ଅଫିସରେ ଥିବା କାଗଜପତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳିବାର ଲାଗିଥିଲା। ଅଫିସରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଥାନା ଚିଚିରଲା ଗାଁ ନିକଟରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ଦିଲଖୁସ୍ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ବେଲାମାଲ ଗାଁର ଯଶୋବନ୍ତ ନିଆଲ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ଶିଖାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। କେସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ଅଛି ବୋଲି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। 21 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କରିନଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଲିହା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମନିତା ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ମନିତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣିକିଆ ବିଚାରପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏହି ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଦେଶ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ ଅପିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍କେ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସାବିତ୍ରୀ ରଥଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜଣିକିଆ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ନିଜ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରପଞ୍ଚ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ କି ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଉକ୍ତ ପଦରେ ରହିପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଇମ୍ରାନ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବଦେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ତ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ପଦରେ ରହିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ନୂତନ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ନୟାଗଡ଼ର ବା ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଲିହା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେତିକି ସରପଞ୍ଚ ମନିତା ସାହୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତୋଳିଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 37, 2017 ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ବୟସ ସେତେବେଳେ ତାକୁ 21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା, ତ
ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଦକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଉକ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ତ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜବାବ ମାନିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଯାଇଥିଲା। ସେ ରିଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ବଡ ବେଞ୍ଚ ବସିଲା ଜଷ୍ଟିସ ରଥ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଏସ୍କେ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ଖଣ୍ଡିତ ଗଠପୀଠ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଯୋଉ ବସିଲା ଯୋଉ ବଡ ବେଞ୍ଚ ବସିଲା ସେ ବେଞ୍ଚ ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା ଏବଂ 21 ବର୍ଷ ହେଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ପଦକୁ ରଦ୍ଦ କରିପାରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଆଇନଗତ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାହିଁଲେ ସରପଞ୍ଚ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ପଦରେ ରଖିପାରିବେ କି ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାରିବେ। ସେ ଆଇନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଏନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ କୌଣସି କେସ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇ ମାଲଖାନାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ସେ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଗତକାଲି ରାତି 12:15 ପାଖାପାଖି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଥାନାର ଛାତ ଏବଂ କାନ୍ଥ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଫର୍ଚୁନେଟଲି କୌଣସି ଆମର ପୁଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ କାହାରି କିଛି ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ବି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ପର୍ଟିକୁଲାର ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟଟି କୋଉ କେସ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେହି ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଥିଲେ ସେଟା ଡିଟେଲ ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସବୁ ଥାନାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଥାନା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ବି ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ ଇମିଡିଏଟଲି କରି ନ ପାରିଲେ ବି ତାକୁ ସେଫ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ନାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଗଲା, ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଗଲା, ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆଜି ହିଁ ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରିକି ତାଙ୍କର ମାଲଖାନାଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମାଲଖାନା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ ଯେ ସବୁ ଥାନାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ବହୁତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ, ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂଟି ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହକାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଏହାର ଭୋଟଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଲଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା କଟକରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ସହ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, କଟକରୁ ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଆଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟି ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ନେଇ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା
क्राइमब्रांच मुख्यालय पहुँची और एडीजी को भेटाप आसर बारंबार से अभियोग करते कि क्राइमब्रांच कौटना कौट शिथिलता प्रकाश कर तदंतर से पुणी आज जेहेतु निजे आसार लोक आसीजी को भेटा किसी समय पर बड़ कथा हूँ जो तदंतर शिथिलता आप जानतु जो लाइट डिटेक्शन टेस्ट करागला डीएफओ और जे रही धर्मपत्नी विद्याभारती दुईटी टेस्ट कलापर पुलिस कौटना कौट क्राइमब्रांच कौटना कौट चुप ही बस पड़ी जेहेतु न्याय एपर्त मिल पारे पुअर मृत्यु को आज को तीन मस टपी गला आप जानते घटना जुलाई 13 तारीख दिन होता तापर कौन सुफल मिल पारे अनेक थर पुलिस एवं प्रथम पारड़ा पुलिस तापर क्राइमब्रांच सहयोग करतापर पुणी क्राइमब्रांच निज हाथ को नहीं तदंतर भारतापर कौन सुफल मिल पारना और ता भितर अनेक थर क्राइमब्रांच पचराउचरा डीएफओ सहित जी रोसैया पचराउचरा विद्याभारती पचराउचरा से कौन गोटे सुफल मिललानी कौन गोटे दिग पाइला ना क्राइमब्रांच और लाइट डिटेक्शन टेस्ट कराला लाइट डिटेक्शन टेस्ट पर कौटना कौट क्राइमब्रांच शिथिलता देखा जाए और क्राइमब्रांच कौटना कौट लाइट डिटेक्शन कर बस पड़ी से अभियोग करते जेहेतु क्राइमब्रांच पर ओडिशा पुलिस से आस्था हर सारे से अभियोग कर डीएफओ को जो जगार डीएफओ अच्छा बदली करदंत ठीक र अंपटे जब कह विद्याभारती को अरेस्ट से बारंबार अभियोग कर बारंबार से गुहारी कर क्राइमब्रांच आरंभ कर विभिन्न पद अधिकारी सहित कि बड़ कथा सी एवं क्राइमब्रांच पर भरोसा पाने और से कहते सीबीआई तदंत हिं पुओ को न्याय मिल से ही अनुसार क्राइमब्रांच तदंत के बाट जाए और क्राइमब्रांच कौन तदंत करती से आज क्राइमब्रांच एडीजी को भेटे और भेटा पर निश्चित भाव में प्रतिक्रिया रखे और एडीजी कौन प्रतिश्रुति दे प्रतिक्रिया रखे अपूर्व प्रतिनिधि सीधास्थलक अधिक सूचना देते जे एससीएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामलें तांका बापा आज क्राइमब्रांच एडीजी संजीव पंडा को भेटी पूर्व पुलिस और क्राइमब्रांचर तदंत को नहीं से बारंबार प्रश्न उठाई एपरिकी सीबीआई तदंत दाबी कर आसुचार सौम्य परिवार तो सौम्य बापा आज एडीजी संजीव पंडा को भेट कौन सब कहते कौन प्रतिश्रुति रखुंट संजीव पंडा तापर पूरा राज्यवासी नजर रही भारत में बर्मुडा ट्रायंगल बात्या गुलाब बेले घटिला रहस्यमय घटना गोपालपुर मंचनील पेटा 100 रु अधिक किलोमीटर यात्रा करी पहुंचला रहस्यमय बोट ना थिले यात्री ना थिले मत्स्यजीवी शुणिले आश्चर्य लगुचना हेले घटना को नहीं एबे उभय आंध्र और ओडिशा रे चर्चा भारत में बर्मुडा ट्रायंगल बात्या गुलाब बेले घटिला रहस्यमय घटना गोपालपुर मंचनीलपेटा यात्रा 100 रु अधिक किलोमीटर यात्रा करी पहुंचला रहस्यमय बोट ना थिले यात्री ना थिले मत्स्यजीवी तांके से माने जाईथले 6 जन बोट लोक माने जाईथले बोट आनिया पई जाईथले जाईथला कु एमतिया बात्या हो बोली कि जाना नथला सेमाने कौन कर ले समुद्र तो भितर बोट 6 जन जाते आकुपिल ग्राम बोल गोटे ग्राम डी से ग्राम पाखे तूफान आसी घटला से घटला सांगे सांगे तीन जन डेकि तोड़ को तीन जन पलै आसिले आउ दी जन बाहर पछ को आउ दी जन आसिक पहुँचले आई थर गोटे छोट पाटी जाता से बोट्रे जाने कौन होला से बोट्रे रहीगला से बोट पाखे खाली बोट डायरेक्ट आसिक आमर गोटे नदी अच्छी से नदी की डायरेक्ट आसिक प्रसिगला से मन किए आनला किए ना यहाँ कौन विचित्र कथा से छुआटा होंदरकांत पड़ा किए कड़े गला से छुआर कथ कि जना पड़ला ना शुणिले आश्चर्य लगुचना हेले घटना को नहीं एवं उभय आंध्र और ओडिशा रे चर्चा घटना किछि एमिती थिला स्थान गोपालपुर गंजाम समय सकाळ 7:20 नुआ बोट किणी सारिबा परे आंध्रर 6 मत्स्यजीवी बाहरी पड़ते मंचनीलपेटा अभिमुखे एपटे पानीपाग विभाग आकलन कर सारी आग को आसुची बात्या गुलाब केउंठी लैंडफॉल करिवार द्वंद्व मध्यरे बोट्रे चढ़ी लक्ष्यस्थल अभिमुखे यात्रा आरंभ करते 6 मत्स्यजीवी आउतापरे जहां घटीला ताहा कौनसी हॉलीवुड फिल्मर कहानी ठारु कम नुहे समय सकाळ 9:30 खबर चलीथिला बात्या गुलाब आसिबो किंतु पूर्वरु आसीथिबा बात्या भली आक्रमणात्मक हेबो नाही
राति प्राय 11টা। कालिंगपाटनम एवं गोपालपुर मध्य राति प्राय 11টা मध्य लैंडफल कर जानवा पर धीरे धीरे घंटार घंटा पड़ी एक नूतन बोट मध्य निज गंतव्य स्थल को जा राति 2টারে बारुआ सगर बेलाभूमि पहुंचे। एनडीआरएफ सूचना पर समस्ते समुद्र कूल में प्राय 2 घंटा रुहती एपटे गुलाब लुचकाली खेलु थाए सेपटे साहस बांधी 6 मत्स्यजीवी निज नुआ बोट को गंतव्य स्थल में पहुंचाइबा पुणी आरंभ कर दिंती प्रस्तुति। समय संध्या 6টা पानीपाग विभाग आकलन अनुसार गुलाब लैंडफल प्रक्रिया आरंभ हो सारी एपटे 6 मत्स्यजीवी को धरी समुद्र मध्य बोट भी सामना करे गुलाब रो प्रभाव को जुआर उपरे जुआर समुद्र मध्य स्थिति अधिक संगीन होबार लगी बारुआ ठारु मात्र 10 नौटिकाल माइल पर बोटटी जुआर माड़े ओलटी पड़े समुद्र को डिया मारती ए 5 जन मत्स्यजीवी हेले रही जाती 18 वर्षर युवक मोहन राव मोहन को बचाइबा को बोट्रे आउ जे मत्स्यजीवी प्रयास करती समस्त लोक आकुपाली समुद्र कूल में पहुंची मोहन को 4 नौटिकाल माइल कांधरे बोही नहीं थिले। तापरे आउ एक बड़ घूर्णिबात्या आसे एवं एथर मोहन तांकठारु अलगा हो जाइथिले। 6 घंटार दीर्घ संतरण पर 6 मत्स्यजीवी मध्य 5 जन निज जीवन बचाइबारे सफल हुए हेले एबे भी निखोज अछंती 18 वर्षीय युवक मोहन समस्ते भाविथिले एसबु भितरे नुआकरी किणा जाइथिबा बोटटी समुद्र मध्यरे केउठी हजि जाइथिबो हेले आश्चर्य लागिले विषत बोटटी ठीक भाबरे एहार गंतव्य स्थलरे पहुँचि जाए एहा केमिति संभव हैला ताहा बे समस्तंकु चकित करिछे। उसमें जे 6 जन से एक बंदा एक मतलब लड़का 13 साल के 14 साल के लड़का था तो क्या अंदर डूब गया तो उनको मतलब इंक्वायरी करने से बोला कि जो जिसने जो लास्ट आदमी आए थे उन्होंने क्या है कि बोला कि मैं उनको बंदे को तो लेके आया हूँ पर ये सामने नज़दीक आने तो आने के टाइम में तो थोड़ा वेव के ज़्यादा होने से उसके वजह से तो उन्होंने क्या डूब गया बंदा। केमिति घटिला बरमुंडा ट्राइंगल भली रहस्यमयी घटना बंगोपसागर मध्य रही कि अदृश्य शक्ति एबे एही घटना को नहीं थमुनी चर्चा। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।